एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पे टिप्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एंड आज मैं मेरे बनी को किस तरीके से मैं ट्रैवल करती हूँ आसपास में, अगर मुझे जाना हो और केज ले जाना हमेशा पॉसिबल नहीं होता है, सो मैं किस तरीके से ट्रैवल करती हूँ वो ही मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और अगर आप लोग विंटर सीजन में अपने बनी को इस तरीके से कैरी करते हो ट्रैवलिंग के लिए, तो बहुत ही अच्छी तरीके से सेफली वो भी आराम से जा सकती है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड ये ऑनलाइन में भी अवेलेबल होता है लेकिन बहुत ही कम। सो इसी तरीके से मैं आपको घर में दिखाऊंगी बहुत ही इजी प्रोसेस से आप किस तरीके से बनी का ट्रैवलिंग बैग आप रेडी कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो की तरफ। और मेरे वीडियो को एक लाइक जरूर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, ताकि मेरी वीडियोस आपके पास आती रहे और अच्छे अच्छे वीडियोस मैं आप लोगों के लिए ला सकूँ। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। बनी को ट्रैवल करने के लिए सबसे पहले बनी का जो कोई भी फूड मुझे लेना है वो फूड मैं हमेशा मैं मेरी बैग के अंदर कैरी कर लेती हूँ, ताकि मैं बाद में भूल ना जाऊँ। एंड उसके बाद आप देख सकते हो इस तरीके से अंदर की डीप जो है डीप ज़्यादा रहेगी, यानी कि गहराई जो है ज़्यादा होनी चाहिए। एंड कपड़े का बैग होना चाहिए जिसके अंदर बनी और रैबिट अच्छी तरीके से कंफर्टेबली बैठ सके। एंड आप देख सकते हो ये बाहर की तरफ जिप है लेकिन अंदर में कोई जिप नहीं है, जिप नहीं होना चाहिए ताकि बनी को कोई नुकसान ना पहुँचे। इस तरीके का क्लॉथ ले सकते हो, कोई भी क्लॉथ चलेगा, अगर कॉटन की हो तो ज़्यादा अच्छा है। सो मैं नीचे वाली जो क्लॉथ है मैं कॉटन की ले रही हूँ, आप भी ऐसे ले सकते हो ताकि पी वगैरह कुछ भी अंदर में करे तो बनी को कोई प्रॉब्लम ना हो। सो इस तरीके से मैं इसके अंदर जो है ट्रैवलिंग बैग के अंदर ऐसे मैं इसको फिक्स कर दूँगी। एंड इसके अंदर मैं बनी को ईजिली अच्छी तरीके से रख के जिप आप चाहे तो दे भी सकते हो और थोड़ी सी जगह जो है खुला भी रख सकते हो। एंड बनी अगर मुँह भी बाहर निकाले तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो चलिए मैं मेरे बनी को लाके फिर आपके आप लोगों के साथ इस वीडियो को कंटिन्यू करती हूं। बनी की ट्रैवलिंग बैग बिल्कुल ही रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हो कितना कम्फर्टेबली बैग के अंदर है। सो अगर मेरे इस वीडियो को अच्छे लगे हो आप लोगों को तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना फ्रेंड्स।